डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स देन ए मैट्रिक्स पी कैन बी फाउंड सच दैट पी इनवर्स ए पी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स डी हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसका प्रूफ करते हैं। लेट लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट डॉट लैम्डा एन बी द आइगन वैल्यूज एंड कैपिटल एक्स वन हुज एलिमेंट्स आर स्मॉल एक्स वन वाई वन डॉट डॉट ये एन एलिमेंट्स है इसके। इसी तरह से ये कैपिटल एक्स टू डॉट डॉट अप टू एक्स एन ये एन आइगन वेक्टर्स बी द करस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए देन मैट्रिक्स पी कंटेनिंग दीज आइगन वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन एंड डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट डॉट लैम्डा एन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी। हियर वी हैव ए इंटू पी इक्वल टू ए तो यहां पे ये है एज इट और पी मैट्रिक्स इसके अंदर ये कॉलम्स में आइगन वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट अप टू एक्स एन ये हमने पी की वैल्यू यहां पे रख दी और ये मल्टीप्लीकेशन इसका करते हुए ए को इसमें अंदर ले गए तो ये हो गया ए एक्स वन ए एक्स टू डॉट डॉट ए एक्स एन। और क्योंकि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा वन के करस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है एक्स वन तो ए एक्स वन इक्वल टू लैम्डा वन एक्स वन। इसी तरह से ए एक्स टू इक्वल टू लैम्डा टू एक्स टू डॉट डॉट अप टू ए एक्स एन इज लैम्डा एन एक्स एन ये हमने यहां पर रख दिए और फिर इसको हमने डिकम्पोज किया दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें वापस यही मिल रहा है करके देख सकते हैं एक्स वन इंटू लैम्डा वन प्लस जीरो प्लस डॉट डॉट अप टू जीरो तो ये एक्स वन इंटू लैम्डा वन ये आ गया। ठीक है इसी तरह से इसका मल्टीप्लीकेशन जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा डॉट डॉट अप टू लास्ट इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से हमें ये मिल गया और ये हमारी मैट्रिक्स पी है देख लीजिए पी मैट्रिक्स और ये हमारी मैट्रिक्स डी है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट डॉट अप टू लैम्डा एन इसको हमने कैपिटल डी से नोट किया है तो हमें ये मिल गया। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन ए पी इक्वल टू पी डी बाई पी इनवर्स वी हैव इस साइड में तो ये पी इनवर्स इंटू ए पी ये हो गया और इस साइड में पी इनवर्स इंटू पी डी तो पी इनवर्स पी आई हो गया आई इंटू डी ये डी हो गया। सो पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी इट इज प्रूव्ड। रिमार्क द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए टू पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी इस तरह से जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मैट्रिक्स ए का ये डायगोनल मैट्रिक्स डी में दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज ए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जनरली और इससे थोड़ा ज्यादा होता है तो उसका एक केस है ये एक तरह का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। हियर द मैट्रिक्स पी इज नोन एज द मॉडल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स पी के अंदर लिए हैं हमने ये आइगन वेक्टर्स ये मॉडल मैट्रिक्स कहलाती है मैट्रिक्स पी। एंड ये जो मैट्रिक्स डी है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर ये आइगन वैल्यूज हैं डायगोनल में दिस मैट्रिक्स डी इज नोन एज द स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है क्योंकि इसके अंदर आइगन वैल्यूज हैं जो कि उनका सेट स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है तो ये स्पेक्ट्रम को डायगोनल में रखते हुए ये स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स हो गई डी। नाउ पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हियर वी हैव डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी जो हम प्रूव कर चुके हैं ये डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी देन डी स्क्वायर इक्वल टू है डी इंटू डी तो डी की ये वैल्यू पी इनवर्स ए पी इंटू अगेन ये डी ये। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से ये ब्रैकेट हमने यहां पे लगा दिया पी इंटू पी इनवर्स
ये आई हो गया और आई का मल्टीप्लिकेशन इनमें होके ये जैसे कि आई इंटू ए, अगेन ये ए ही रहा और फिर ये ए इंटू ए हो गया ये ए स्क्वेयर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू पी इनवर्स ए स्क्वायर पी। सिमिलरली डी क्यूब जो है, यानी कि इसमें हम डी का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये डी क्यूब हो जाएगा और डी की वैल्यू ये वाली हम इधर रख लें ये मल्टीप्लीकेशन में। तो इसी तरह से ये करते हुए पी इनवर्स ये पी इन टू पी इनवर्स आई हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको सिमिलरली ये मिल गया पी इनवर्स ए क्यूब पी। यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री। कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी हैव डी की पावर एन इक्वल टू पी इनवर्स ए की पावर एन इंटू पी। यहाँ पे एन तो यहाँ पे एन ये हो गया। अब इसमें क्योंकि हमें तो ए की पावर एन की वैल्यू चाहिए, तो ये यहां से पी इनवर्स हटाना है और पी हटाना है, तो इसके लिए हमने इस साइड में तो मल्टीप्लाई किया पी का और इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे पी इनवर्स का। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाई पी एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई पी इनवर्स, इनको हटाने के लिए वी गेट ये पी डी की पावर एन इंटू पी इनवर्स इस साइड में ये हो गया और इक्वल टू इस साइड में यहाँ पे पी ब्रैकेट में ये रख लिया और इधर पी इनवर्स, तो दोनों साइड में इस तरह से हमने ये कर दिया। और एसोसिएटिव लॉ लगाते हुए पी इंटू पी इनवर्स को एक ब्रैकेट में, इधर पी इंटू पी इनवर्स को एक ब्रैकेट में, ये आई हो गया, ये भी आई हो गया और आई का इनमें मल्टीप्लीकेशन होके यही रहा ए की पावर एन। सो ए की पावर एन ये मिल गई हमें पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, जो हेडिंग है ये ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू पी इंटू डी रेज टू द पावर एन इंटू पी इनवर्स। तो पी यहां पर मॉडल मैट्रिक्स है और डी वो डायगोनल मैट्रिक्स, तो उनकी हेल्प से यहां पर ये किसी भी मैट्रिक्स ए की ये कितनी भी बहुत ज्यादा पावर हो उसकी भी वैल्यू यहाँ पर हम इजीली ऐसे निकाल सकते हैं कि पी हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स, उसका इनवर्स कर लेंगे हम। और जो डी डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी तो कितनी भी पावर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स की उतनी पावर हो जाएगी, जो कि आगे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा अच्छी तरह से। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1, 2, -2, 1, 2, 1, -1, -1, 0। ऑल्सो रिड्यूस इट टू द डायगोनल फॉर्म, ओबटेन द मॉडल मैट्रिक्स। तो इसमें पहला काम ये जो करवाया है इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकलवाए हैं, तो यही काम है इसमें लेंदी। इसको करने के बाद में फिर तो हम डायगोनल फॉर्म में तो रिड्यूस करने के लिए उसको सीधा सीधा लिख देंगे और मॉडल मैट्रिक्स के अंदर तो आइगन वेक्टर ही रखने हैं हमको सीधे सीधे। तो गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस यहाँ पे हमने उतार ली और इसकी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम ले रहे हैं द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसमें माइनस लेमडा किया तो इसके डायगोनल में माइनस लेमडा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये हो गया और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट, और इसका हमने बना दिया डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू ये 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके रो वाइज हमने इसको एक्सपेंड किया है, ये एक्सपेंड कर लिया और ये सिंप्लीफाई करके इसके हमने फैक्टर भी कर लिए, क्योंकि इससे हमें ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इससे लेमडा की जो थ्री वैल्यूज मिलेंगी तो इसके हमने फैक्टर कर लिए, इसके हो गए लेमडा माइनस वन। और पहले ये देखिए लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव, इसके अगेन लेमडा माइनस अंडर रूट फाइव और लेमडा प्लस अंडर रूट फाइव। तो इस तरह से यहां से लेमडा की वैल्यू हमें मिल गई, इस दिस फैक्टर इक्वल टू 0 से लेमडा इक्वल टू 1 और दिस इक्वल टू 0 से लेमडा इक्वल टू अंडर रूट फाइव और दिस इक्वल टू 0 से लेमडा इक्वल टू माइनस अंडर रूट फाइव। वैसे भी कर सकते थे लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 5 से लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। तो कुल मिला के ये लेमडा की हमें थ्री वैल्यूज मिल गई। नाउ लेट कैपिटल एक्स वन हुज कंपोनेंट्स आर स्मॉल एक्स वन वाई वन जेड वन और ये एक्स टू इसके कंपोनेंट एक्स स्मॉल एक्स टू वाई टू जेड टू एंड एक्स थ्री जिसके कंपोनेंट्स स्मॉल एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री बी द आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये और अंडर रूट 5 के करस्पॉन्डिंग ये और माइनस अंडर रूट 5 के करस्पॉन्डिंग ये रेस्पेक्टिवली। तो एक एक करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले फॉर लेमडा इक्वल टू 1 बाई मैट्रिक्स इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू ओ वी हैव लेमडा की जगह यहाँ पे हमने 1 रख दिया और एक्स की जगह इस 1 के करस्पॉन्डिंग ये एक्स 1 ये रख दिया, ठीक है इक्वल टू ओ। तो दिस इंप्लाइज दैट ये ए माइनस वन आई ये जो ए माइनस लेमडा आई था यहाँ पे लेमडा की जगह वन करते हुए ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बाकी यही उतरा हुआ है सारा। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है और ये एक्स वन के कंपोनेंट्स ही रख दिए हमने
और इक्वल टू नल वेक्टर ओ के कंपोनेंट जीरो जीरो जीरो। तो ये माइनस वन ये माइनस टू हो गया, ये वन हो गया, ये माइनस वन हो गया, बाकी सारे एज इट उतार लिए और ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है हमारे पास में, तो इसकी हम कोफिशियंट मैट्रिक्स की एकलन फॉर्म बनाएंगे रो ऑपरेशंस करते हुए। तो इसके लिए पहले हमने जो सिंपल करने के लिए अप्लाइंग रो ऑपरेशंस आर वन एंड आर टू का इंटरचेंज, ये फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करते हुए, बाकी ये हम सारा लिख रहे हैं अगले पेज पर। तो हमें ये मिल गया। अब इसको हमने की एलिमेंट ले लिया फर्स्ट एलिमेंट को, और इसकी हेल्प से नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए सेकंड रो में ऑपरेशन किया आर टू प्लस टू आर वन, और थर्ड रो में आर थ्री प्लस आर वन ये अप्लाई करते हुए वी गेट फर्स्ट रो को एज इट उतार लिया और ये जो है जीरो हो गए, और यहां पर ये टू प्लस टू फोर, माइनस टू प्लस टू ये जीरो हो गया, और क्योंकि इसका ये नेगेटिव है पूरा ऐड करने पे ये रो पूरी जीरो हो गई। तो यहां पर ये एकलन फॉर्म बन चुकी है, टू नॉन जीरो रोज हैं, इसकी रैंक टू है, इससे हमें ये टू इक्वेशंस मिल गए, वन एक्स वन प्लस वन वाई वन प्लस वन जेड वन इक्वल टू जीरो, और सेकंड जीरो प्लस ये फोर वाई वन प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां पे वैसे तो पहले फोर आएगा, फिर फोर से हमने डिवाइड कर दिया तो ओनली वाई वन इक्वल टू जीरो। तो यहां पर टू इक्वेशंस हैं और थ्री अननोन्स हैं, तो यहां पर एक आर्बिट्रेरी वैल्यू किसी अननोन को हमें देनी पड़ेगी। यहां पे बाई वन की वैल्यू तो जीरो ये फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें ये बाई वन तो जीरो हो गया, चलो यहां पर मैं इसको ये कर देता हूं जीरो। अभी एक्स वन प्लस जेड वन इक्वल टू जीरो जो है, इसमें किसी एक अननोन को हम अपनी तरफ से वैल्यू देंगे, दूसरे की वैल्यू उससे आ जाएगी। तो हमने ले लिया यहां पर लेट एक्स वन इक्वल टू वन, इट गिव्स जेड वन इक्वल टू माइनस वन, हेंस वी गेट कैपिटल एक्स वन हुज कंपोनेंट्स आर स्मॉल एक्स वन वाई वन जेड वन। तो ये एक्स वन की वैल्यू हमने बन दी थी और वाई वन तो यहां पर जीरो ये है ही, और जेड वन की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो ये आइगन वेक्टर हमको मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट फाइव बाई दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, अब की बार हमने यहां पर लैम्डा की जगह अंडर रूट फाइव रख दिया, और बिल्कुल जैसे हमने पहला आइगन वेक्टर निकाला है उसी तरह से ये सारा ये काम हम कर रहे हैं। इसमें सिंपल बनाने के लिए फर्स्ट और सेकंड रोज को हमने इंटरचेंज कर दिया, बाकी एज इट सारा लिखा हुआ है। तो इसमें इस वन की हेल्प से ये नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए, इसको की एलिमेंट लेते हुए इसमें सेकंड रो में हमने ये रो ऑपरेशन कर दिया, इसमें ये नेगेटिव साइन तो हमने ले लिया, बाकी का ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया वन प्लस अंडर रूट फाइव आर वन में और उसको ऐड कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें आर थ्री प्लस आर वन कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, बाकी ये हमने लिख लिया। अब ये वाला हमारा की एलिमेंट है, तो इसकी हेल्प से इसको जीरो करने के लिए थर्ड रो में ये वाला रो ऑपरेशन कर दिया, इसमें जो है ये माइनस साइन इसमें बाहर निकाल के ये वन माइनस अंडर रूट फाइव ये यहां पर लिखा हुआ है, और इसमें नहीं ये तो जो है इसमें अंडर रूट फाइव माइनस वन इतने से तो हमने डिवाइड कर दिया जिससे कि ये वन हो जाए, और इतने का मल्टीप्लाई कर दें जिससे इतना हो जाए, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसमें से आर थ्री माइनस दिस, तो इससे ये जीरो हो जाएगा सीधे सीधे, तो इससे ये जीरो हो गया। और ये एक एलिमेंट की यहां पर ये हम ये देख रहे हैं कि ये तो ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये दोनों एलिमेंट सेम है, जब इसकी हेल्प से ये जीरो हुआ तो इसकी हेल्प से ये भी जीरो हो गया। तो यहां पर ये टू नॉन जीरो रोज, टू रैंक और इससे टू इक्वेशंस ये हमें मिल गए। तो इसमें एक अननोन को हम अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी वैल्यू कुछ भी देंगे, तो ये जेड वन इसमें जेड टू को जो है हमने ये बंद दे दिया, तो इससे लास्ट इक्वेशन से जेड टू को जब हमने बंद दे दिया इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इतने से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को जेड टू की जगह, फिर यहां पे बचा बाई टू प्लस जेड टू इक्वल टू जीरो, जेड टू की जगह बंद दे दिया तो इट गिव्स बाई टू इक्वल टू माइनस वन, और ये बाई टू की जगह माइनस वन जेड टू की जगह वन रखते हुए इससे हमें एक्स टू की वैल्यू मिल गई वन माइनस वन रूट फाइव। सो ये कैपिटल एक्स टू इक्वल टू स्मॉल एक्स टू वाई टू जेड टू इक्वल टू ये
एक्स टू की वैल्यू और ये वाई टू की वैल्यू और ये जेड टू की वैल्यू रख के ये हमें दूसरा आइगन वेक्टर मिल गया। फॉर लैम्डा इक्वल टू -√5, ये बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने सेकंड निकाला है बिल्कुल उसी की तरह से, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल सारी कैलकुलेशन उसी की तरह से है। ये जो है हमने रोज का इंटरचेंज किया फर्स्ट और सेकंड रो का, और फिर इस वन की हेल्प से ये नीचे वाले हमने जीरो कर लिए सेकंड और थर्ड रो में ऑपरेशन करते हुए, और फिर इसमें से फिर ये जो है इसकी हेल्प से फिर इसमें हमने ये काम किया। हाँ ये सीधे सीधे हमें दिखाई दे ही रहा है इसकी हेल्प से, इसको नीचे वाले को हमने जीरो किया। तो क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो जब इससे ये जीरो हुआ तो इससे ये भी जीरो हो गया। ये R3 + R2 ये एक दूसरे के नेगेटिव ही तो हैं, तो सीधे सीधे ऐड करने पे ये जीरो हो गए। तो बस बिल्कुल इसी तरह से यहां पर टू इक्वेशंस लिख लिए, और ये लास्ट अननोन Z3 को हमने वैल्यू बंद दे दी, ये ब्रैकेट से हमने इसको डिवाइड ही कर दिया, तो Y3 + Z3 = 0, Z3 को 1 वैल्यू दे दी, तो Y3 = -1, ये दोनों हमने Y3 और Z3 की वैल्यू जो है ये रख दी -1 और 1 यहाँ पर, तो इससे X3 की वैल्यू आ गई 1 √5, इसमें रखते हुए कैपिटल X3 = X3 Y3 Z3 ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये थर्ड आइगन वेक्टर हमको मिल चुका है। दस द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए आर √1 एंड -√5 एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर, जो तीनों आइगन वेक्टर्स कैपिटल X1 X2 और X3 हमने निकाले हैं, दिस दिस एंड दिस, तो ये आइगन वैल्यूज और ये करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स एक ही सेंटेंस में हमने यहाँ पे लिख के ये पहला आंसर दे दिया। अब इसमें जो पूछा गया है द गिवन मैट्रिक्स ए इज नाउ रिड्यूस्ड टू द डायगोनल फॉर्म एज P−1AP = D, वेयर डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर दीज आइगन वैल्यूज 1√5 एंड -√5। डायगोनल मैट्रिक्स है ये, अदर एलिमेंट्स इसमें जीरो होते हैं, तो ये हमारा कैपिटल डी है। वेयर कैपिटल पी जो मैट्रिक्स है ये मॉडल मैट्रिक्स है, ये भी उन्होंने पूछी थी, तो ये कैपिटल पी इसके अंदर ये तीनों आइगन वेक्टर्स बिल्कुल क्रम से रखने होते हैं। पहले ये 1 0 -1 रख लिया हमने, उसके बाद ये वाला 1 −√5 −1 1, और लास्ट में ये थर्ड आइगन वेक्टर 1 + √5 −1 1 ये हमने रख लिए। दिस इज द मॉडल मैट्रिक्स, ये इन्होंने पूछी थी, तो ये किस तरह से रिड्यूस हो रहा है डायगोनल फॉर्म में वो, और वेयर दिस कैपिटल पी इज द मॉडल मैट्रिक्स जो उन्होंने पूछी थी क्वेश्चन में, वो चीज हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में लिख दी है, तो हमारा ये आंसर। इसी तरह से आप और सवाल भी कर सकते हो अच्छे से। कुल मिला के बात ये है कि हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने होते हैं और उनको फिर सीधे सीधे हम इस फॉर्म में रख देते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल है, तो इस तरह से आप सारे सवाल कर सकते हैं और प्रॉब्लम आने पर पूछ सकते हैं।